नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं आप चैनल स्टॉक ग्रुप को। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। जैसा कि आपने नाम डिस्प्ले पे ऑलरेडी देख लिया होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं डेविस लैब के बारे में। प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन आया है, अब इसके क्या प्राइस एक्शन बोलते हैं, कहाँ से बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है, कितनी और डाउनफॉल जा सकती है, इन सारे लेवल्स को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं उसके प्राइस एक्शन के बारे में। तो जैसा हम लोग अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है और जो मार्केट जो रिसेंटली क्लोज हुई है वो ही है 3445 पे। अब यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिल रहा है एक अच्छा खासा वीकली का डिमांड जो है, यहाँ से इसने रिकवरी के साइन दिखाए और जिसने कैंडल फॉर्म किए हैं बहुत अच्छे खासे रिकवरी के यहाँ पे साइन दिख रहे हैं अपने को। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपना लिमिटेड जो डाउन साइड का अपना स्टॉप लॉस हो जाता है वो अपना होगा, अगर इस लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो अपना लेवल बनता है 3290 का। लेकिन थोड़ा सा बड़ा स्टॉक है और थोड़ा अपना वोलेटाइल ज्यादा हो सकता है, तो इस केस में अपने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट करके कर दिया है 3270 3275 का क्लोजिंग बेसिस पे। और वहीं पे अगर हम लोग आते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा खासा डिमांड जो है मंथली का यहाँ पे इसकी एंट्री हो चुकी है और सेम यही लेवल बताता है अपने को। अब इसके रिसेंट हाई की बात करें तो इसने जनवरी 2024 में अपना हाई बनाया था 4074 का, और अभी इसने अभी इसी मंथ के अंदर इसने अपना लो बनाया है 3350 का। मतलब यहाँ थे कि हाई से जो इसका प्रीवियस हाई था वहां से ये लगभग 600 पॉइंट करेक्ट हो चुका है। अपना जो यहाँ पे डाउन साइड है वो लिमिटेड हो चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक सपोर्ट यहाँ अपने को दिख रहा है ये सपोर्ट अच्छा खासा रिस्पेक्ट करना चाहिए इसको, और यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस एक्शन अपसाइड के अंदर देखने को मिलना चाहिए अपने को। अब यहाँ पे देखिए अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा डिमांड जोन है, जिस डिमांड जोन ने क्या किया है पूरे इस सप्लाई जोन को क्लोजिंग किया, तोड़ा ऊपर, प्रॉपर एक क्लोजिंग देने के बाद प्राइस अब नीचे आ रही है और प्रॉपर इसके अंदर डिमांड जोन में एंट्री मिल चुकी है। अब इसमें हम लोग एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे अभी जो अभी क्लोजिंग इसकी मिली है 3445 में मिली है, 50% 60% क्वांटिटी मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा। लेकिन अगर मुझे कोई मौका मिलता है, लकली अगर नीचे डाउनफॉल में आ जाता है कोई भी इस जोन के अंदर अगर एंट्री मिल जाती है जो अपना लेवल होने वाला है 3390 3385 का, तो डेफिनेटली एक बाइंग जोन होने वाला है जहां पे अपना ये वाला स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, अब ये तो अपने हो गई बाइंग लेवल जहां पे हमने दो पार्ट में यहाँ पे बाइंग कर ली है। अपनी जो टारगेट की बात करें तो जहां पे प्राइस नीचे आ रही थी तो नीचे आते इसने कुछ ढंग का सप्लाई जोन बनाया नहीं, जब प्राइस नीचे आई तो उतना ढंग का इसने सप्लाई जोन बनाया नहीं, तो जो अपना पहला टारगेट लगता है वो इस रेंज में होगा जो कि अपना 3575 से लेकर 3650 का रेंज होगा, वो पहला टारगेट होने वाला है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे थोड़ा मोटा डाउनफॉल आ सकता है, जो अपना लेवल होगा 3700 से लेकर 3780 या फिर 3800 के रेंज को बोल सकते हैं, और उसके बाद सीधा यहाँ थोड़ा सा हो सकता है, फिर यहाँ पे लगभग 4000 के लेवल आराम से दिख सकते हैं। और इसको हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे जाके अगर चेक करते हैं तो प्रॉपरली अपने को अपना टारगेट जो दिखता है वो अपना होगा 4200 से लेकर 4400 के टारगेट आराम से इसके अंदर अचीव होनी चाहिए। अब जो अपना डाउनसाइड का जो टारगेट जो अपना डाउनसाइड जो पॉइंट होने वाले हैं वो अपना होगा 100 से 120 पॉइंट का लास्ट डाउनसाइड होने वाला है। टारगेट की बात करें तो यहाँ से अच्छे खासे टारगेट निकल के आते हैं, जहां पे अपना पहला जो टारगेट होगा वो अपना निकल के आता है 1:2 को क्रॉस करता हुआ, जो कि इसके अकॉर्डिंग पहला टारगेट अपना वही 3600 के आसपास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 3700 का, और फिर ये सारे टारगेट के लिए हम अपने टारगेट को जो भी अपनी प्राइस जब ऊपर जाएगी तो अपने को ट्रेल करना होगा अगर दोनों टारगेट अचीव हो जाते हैं तो। अब यहाँ पे कुछ और स्टडी यहाँ पे एड ऑन करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रमोशन, जैसा कि आपको ये नहीं पता कि डिमांड जोन क्या होते हैं सप्लाई जोन क्या होते हैं, अगर आपको कुछ सीखना है सच में तो हमारी अपकमिंग कोर्स जो कि अप्रैल एंड से स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आपको कुछ भी सीखना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने हम लोग ऑफिशियल व्हाट्सएप का लिंक हम लोग डाल देंगे, जहां पे आप लोग टेक्स्ट करके कोर्स के रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होगी वो सारी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो अगर आपको सच में कुछ सीखना है तो अप्रैल एंड से जो कोर्स स्टार्ट हो रही है उसके लिए आप लोग अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ हम लोग एडिशनल अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ में कुछ एडिशनल हम लोग रिसर्च डालें तो इसमें क्या है, हम लोग आते हैं आरएसआई पे। आरएसआई की अगर बात करते हैं तो आरएसआई ने जब यहाँ पे डाउन साइड में यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे अपना आरएसआई ने यहाँ पे एक बेस बना के ऊपर चली गई थी, वही बेस का यहाँ पे सपोर्ट करते हुए प्राइस एक्शन ये अपने जो आरएसआई है वो ये दिखा रही है कि यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश में है, जैसा कि यहाँ पे इसने इंडिकेट भी किया है इसी अपना आरएसआई को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए।
वहीं पे हम लोग आते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे, और फिर यहाँ पे इसमें चेक करने की कोशिश करते हैं, जहां पे देखें प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी आरएसआई का, ठीक है, आरएसआई यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए फाइनली देखिए ब्रेकआउट हो चुका है इस लाइन को, आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर दूं तो ये प्रॉपरली हमें जो ब्लू लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आरएसआई ने एक ब्रेकआउट दे दिया है। और यहाँ पे हम लोग देखें अगर तो आरएसआई को यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये भी अपने को एक ब्रेकआउट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो आरएसआई प्राइस एक्शन दोनों हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस में एक अच्छा खासा अपसाइड अब देखने को मिलना चाहिए। तो गाइज ये थी अपनी रिसर्च डेविस लैब के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आई है या फिर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों को भी इस टाइप की वीडियो को नीड है उनके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉच माई वीडियोज।